अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा खाना आ गया है, यानी हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही मेहमान जो है जो पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ मेरे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह खिलखिलाते रहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है और अबू की जो है तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। और मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। तो व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं अमन की तरफ और देखते हैं वो क्या कर रही है और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको आकिब महमूद नज़र आ रहे होंगे और आकिब की जो है तबीयत ख़राब है और आकिब को भी बुखार है, ऐसे ही हाँ। तो सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि आकिब महमूद जो है ठीक हो जाए, ऐसे ही हाँ। तो आज सलाम नहीं करना, नहीं करो। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाई, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे? ज़्यादा खुश है अलहमदा, मैं भी ठीक हूँ, घर छोटे बड़े सब ठीक। तो आपकी तबीयत बुखार है ना, आपको दवाई ली है? हाँ। दवाई ली है। और बाबा जान की तबीयत कैसी है? नहीं ठीक है अभी भी, नहीं ठीक ना? नहीं। तो अब मैं शीशा लेकर आए थे, वो चेक करके गए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आपने दुआ की है ना? और आप बहन भाइयों ने भी सब ने दुआ करनी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अमन कहाँ है। जी बेगम साहब यहाँ पर हैं और ये काट रही हैं, मसाला कट चुका है और आलू काट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक ठाक हैं, बस एक अब्बू की तबीयत जो है अभी बेहतर नहीं हो रही। तो सब बहन भाइयों ने जो है अब्बू के लिए खास खास दुआ करनी है, जैसे यार पहले भी करते हैं आगे भी करते रहना है। तो आज जो है हमारे घर मेहमान हुए आए हुए हैं तो सबसे मिलवाएँगे भी और सबसे सलाम दुआ भी करवाएंगे आप सब बहन भाई। अभी जो है मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ चिकन। चिकन में आलू? हाँ जी, क्योंकि मेहमान जो है बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन चिकन जो है आपने कम लेकर आए हैं क्योंकि आपके पास कम पैसे थे, इसलिए अब जो है आलू डालेंगे, इससे जो है चिकन और भी मज़ेदार हो जाए। अच्छा तो देख की भी वहाँ पर है, यहाँ पर धुआं हो रहा है, अंदर रखा हुआ है, मैं लेकर नहीं आई हूँ। चिकन लेके आती है जी। हाँ जी, ये है जी चिकन, ये हो गया आलू, ये हो गया मसाला। हाँ जी, अभी जो है ये धनिया रखा हुआ है, मैंने अभी तक जो है इसे काटा नहीं है, अभी काटूंगी। अच्छा, तो मसाला जी यहाँ पर ये जो है गर्म हो चुका है और प्याज और डाल रहे हैं बेगम साहब। हाँ जी, और अभी जो टमाटर उसने बाहर निकाले हुए हैं। हाँ जी, ये बाद में डालूंगी। क्या उठाया हुआ है जी? हल्दी नहीं थी डब्बे में, इसलिए हल्दी लेने गई थी। माशाल्लाह जी, हल्दी का पूरा बड़ा पैकेट, ओहो। अब जो है हम इसमें डालेंगे हल्दी, कम थी इसलिए मैंने और डाल दी। ये आप डालेंगे लाल मिर्च, आप ना मुझे चम्मच ला के दें। अच्छा हाँ जी, इंशाल्लाह ले आएंगे, चलता ऐसे आ जाए फिर। ये देखिए नीचे वाला डब्बा भी टूटा हुआ है, ये देखिए सुराख है, फिर ले आएंगे इंशाल्लाह। अब जो है हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, एक टमाटर बचा हुआ है वापस से। हाँ जी, हाँ जी, ये भी डाल,
मसाला बना रही हैं जी, भून रही हैं। प्याज लाल हो चुके थे, उसमें बाकी मसाले डाल के प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। अभी इसको थोड़ा सा बंद करके इसको मिक्स हो जाए, गल जाए इसमें। प्याज सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो भी डाला है, मतलब मसाला बने इसमें। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपके घर वैसे नहीं, आप हमारे घर कौन से मेहमान आए हुए हैं जिनके लिए माशाल्लाह आप बहुत बड़ी दावत की तैयारी कर रही हैं? बता दूं? आपकी मर्जी है, बताएंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, जब मिलवाएंगे सब बहन भाइयों से, खाना बन जाएगा उसके बाद। अच्छा, चलें। जो है सब बहन भाइयों ने इंतज़ार करना है कि हमारे घर में आज कौन आया हुआ है, है ना उसमें भाभी? अभी नहीं बताएंगे ना? नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो उज़्मा भाभी जो है ना, ये बाल्टी लेके आई है पानी की। आटा गूंदूंगी। आटा? हाँ जी। चलो जी, माशाल्लाह। रोटियां बनाऊंगी मैं, जो है ये सालन बना रही हूँ रेसिपी। भाभी जो है रोटियां बनाएगी। ये बिल्कुल, और यहाँ पर ये जो है थापियाँ हैं, ये थापियाँ थापियाँ जिसको पहले भी हमने आपको जी चिकन धोया है? हाँ जी, अभी धोया है, फिर भी पानी में डाला हुआ है। ये देखिए अभी जो है मसाला बन गया था, उसमें जो है ना चिकन ऐड कर दिए। चिकन ऐड कर, हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई कढ़ाई नहीं है, तो इसलिए हम देसी चिकन बनाते हैं। कोई बात नहीं, ले लेंगे वो भी इंशाल्लाह, ज़रूर लेंगे जी। तो ये देसी तो है बिल्कुल। यहाँ पर देखें उज़्मा भाभी जो है आटा गूंद रही है, मोट दे दे के माशाल्लाह। ये देखें, और यहाँ पर जो है धनिया काटे जा रहे हैं, पहले नहीं काटे थे? नहीं, बाद में डालेंगे तो बाद में काटते हैं। अच्छा, जल्दी में ना। कलर पैसा कैसा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। देखें जल्दी थी ना, इसलिए मैंने ना पहले ही धनिया वगैरह को ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दो, ऐसा ना हो कि मेरे मेहमान जो है, मतलब जो भी आए हुए मेहमान, वो चले ना जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, जब तक खाना नहीं खिलाएंगे। कटा चल चुका है, पहले वो सीधा कर रही थी, अब जो है कट चुका है। अब जो है हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा फिर जो है हम इसमें, चिकन भून गया इसका। हाँ बस, अब जो है आलू जब गल जाएंगे, भून जाएंगे, फिर जो है हम इसमें थोड़ा सा शोरमा ऐड कर देंगे बस। सारा धुआं है, धुआं है, क्या नजर आएगा? आग जल रही है, धुआं तो होगा ही। माशाल्लाह, सिलेंडर थोड़ी ना आपने भरवा दिया मुझे। सिलेंडर है ही तो कहाँ से भरवाएंगे? हाँ, तो इसलिए जो है ये देख सकते हैं। हाँ जी, ये जो है पानी ऐड कर रही हैं, यानी शोरबा। शोरबा है यहाँ पर जो है ना, रोटी बन रही है। उज़्मा भाभी और अहमद साथ हैं। ये देखें हमारी जो है रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी।
अब जो है मेहमानों से सलाम दुआ करते हैं फिर खाना देना शुरू करते हैं। चला जी, मेहमानों को खाना देने के लिए जो है ना यहाँ पर क्लीन बिछाई जा रही है और ये आके भी साथ है और यहाँ पर अमन जो है क्लीन बिछा रही है मेहमानों के लिए खाना लगाने के लिए, यहाँ पर बैठ के वो खाना खाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान जो है जो पहुँच चुके हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी, खैरियत। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खैर खुशी से पहुंच गया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? हाँ, गन्ने की लोड ट्रालियां तंग करती रही है, बाकी तो सही अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। भी सफर भी तो थोड़ा सा था ना? हाँ, 5 मिनट का सफर सारा है। सफर थोड़ा है लेकिन रास्ते में जो रुकावट है, मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया है। ऐसे ना गन्ने के ट्राल ये जगह ना बहुत तंग कर, आधा घंटा लग गया गाड़ी। माशा आप सब ठीक है? तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी काम कारोबार कैसे चल रहा है? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार है खाना? तैयार है। आ जाए, इंतजार नहीं हो रहा है जी। आ जाए, आ जाए जी। बिस्मिल्लाह। आए, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहमान बैठ चुके हैं खाने पे और खाना भी दे दिया गया है जी। पीछे हो जाए। यहाँ पर जो है उसमें अभी सर्व कर रही हैं और अमन जो है डाल रही है प्लेटों में और बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं और भी मेहमान हैं। आ जाए भाई, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों ने जो खाना खा लिया, दो मेहमान जो है उठ के बाहर चले गए और ये अभी तक भी शुरू है। कहाँ शुरू, खत्म हो गया माल। और दे और नहीं, बस फुल। नहीं नहीं, बोटियाँ थी वो अभी अबू ने खा ली। अबू खा ली? आपको नहीं मिली तो और दे दे। नहीं नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हम खाने के लिए नहीं आए थे, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक रस्म है कि जब मेहमान आता है तो खाना वगैरह खिलाया जाता है जी। जैसे किसी ने खाना वगैरह खाना हो इधर आ सकता है और खाना खा सकता है। महंगाई के दौर में ना खलील भाई दिल के बहुत बड़े हैं। जी बिल्कुल, बंदे हैं, 20 है, 25 है, खानदान के खानदान भी आ सकते हैं जी। बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल ओके ओके हो गया। ये मेहमानों में मनो खाना खिला दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो खिला दिया है और चाय बना रही हूँ अब। माशाल्लाह ये चाय बन रही है, पानी है या नहीं? अभी दूध भी डाल दिया है। सब कुछ डाल दिया? हां, नहीं कहा उबल रहा था, अभी मैंने दूध डाला है। चाय बन जाएगी तो लेंगे। तो प्यारे बहन भाई, ये थे हमारे आज मेहमान जो आए हुए थे। मैंने पहले भी बताया था सब बहन भाइयों के उनको के हमारे यहाँ जो है मेहमान आए हुए हैं, हम सब बहन भाइयों से मिलवाएंगे, लेकिन आज जो है मिलवा चुके हैं। ये थे हमारे मेहमान। हाँ जी, तो अब जो है हमने खाना खिला दिया है, वो अब जो है हमको जो है पूछने आए थे दुआ करने के लिए। तो अभी जो अब जो है हम लोगों ने खाना भी बनाया, खाना भी खिला दिया उन लोगों को। अब जो है चाय बनेगी, फिर उसे पिलाएंगे उन लोगों को, फिर जो है वो घर को रवाना होंगे, फिर इजाज़त लेंगे। क्योंकि मैंने तो कहा है कि अब जो है रात यहीं पे रुक जाएं, ऐसे वो कह रहे हैं कि रात जो है हम नहीं रुकेंगे। चाय भी बन चुकी है, चाय उबल गई है जी। चाय तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, हमारी चाय जो है बनकर तैयार हो चुकी है, आपके मेहमानों को लेने जा रहे हैं। चाय मिल गई है, खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया। कैसा था? बेहतरीन। चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाप वो मजा तो नहीं था, देसी वाला मजा चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। अच्छा, अभी तो मुर्गा छोटा है ना? जी जी छोटा है। चलो देसी मुर्गी हो गया था वाला मजा आ। इंशाल्लाह जी, वो देसी मुर्गी को ऐसा। मेहरबानी से, मेहरबानी जी। देंगे तो मैं पीऊंगा ना। आपने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, तो खाना खाएंगे फिर चाय पियेंगे, फिर चाय पियेंगे। तो मेहमानों को जो माशाल्लाह चाय भी दे दी आपने। हाँ जी,
माशाल्लाह। वो लेकिन एक गिला कर रहे हैं क्या कि आपने हमें जो है ना देसी मुर्गा नहीं खिलाया, दूसरे मेहमान आए थे उनको देसी मुर्गा खिलाया था। नहीं नहीं, अगली बार जो होगा इंशाल्लाह देसी मुर्गा भी खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही मुर्गा था जो हम लोगों ने जो है वो जो रात मेहमान आए हुए थे उनको खिला दिया था। अब जो है कोई और मुर्गियों से कहते हैं कि एक और चूजा दे दें तो फिर जो है भाई को भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे इंशाल्लाह। ये भी उनके गिला जो है हम दूर कर देंगे इंशाल्लाह, जरूर गिला दूर करेंगे। तो आपने चाय किसके लिए? मैंने आपके लिए चाय। मैंने तो अभी खाना नहीं खाया, मैंने सोचा आप जो है टाइम कहाँ पे पहुँचाए पता नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी हुई है और चाय यहाँ पर अभी तक उबल रही है, सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी। हाँ जी, ये आपने खाना खाना है? मैंने खाना खाना है, मुझे खाना दे दे। मैंने भी नहीं खाया, उसमें बाप ने तो खा लिया, अम्मी जान ने खा लिया। तो आ जाए, हम पहले चाय खाना खाते हैं फिर चाय पीते हैं इंशाल्लाह। चाय अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा खाना आ गया है, यानी हमारा, मेरा और अमन का। और जो है जिस भी बहन भाई ने खाना हो आके हमारे साथ मिलके खा सकता है। मेहमानों को माशाल्लाह हमने खिला दिया, चाय भी पिला दिया। और इसके बाद अभी वो बैठे हुए हैं, मैंने कहा हम जो है ना खाना खा लें। अभी वो चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं। तो आ जाए, मिल बैठ के खाते हैं खाना। मेहमानों को हमने रोका है लेकिन वो नहीं रुक रहे, तो इसलिए उनसे जो है ना मिलते हैं और वो इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो आपको स्पेशल नहीं, ऐसी बात करें भी नहीं, मुझे पता है जो आप कहना चाहते हैं। आपको स्पेशल दावत होगी तो फिर आप हमारे घर कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, जैसे ही जैसे टाइम मिलेगा। टाइम तो वैसे नहीं मिलता आजकल, हर बंदा ना फ्री है लेकिन नहीं बिजी है, टाइम तो नहीं मिलता, तो फिर भी टाइम निकालना पड़ता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे घर की बात है, डॉग शॉक में आना ही पड़ता है जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ना चाचू जी जा रहे हैं जी। हाँ क्या री मैं ताकि रहे वंजो आ चंगी गाल आई, अल्लाह से खुश रखे है, आमीन इंशाल्लाह जरूर बुला उसे जी। और आंटी जी भी जा रही हैं तो माशाल्लाह, खैर खैरियत से आपको लेके जाए अल्लाह ताला। तो माशाल्लाह जी मेहमान जो है गाड़ी में बैठ रहे हैं वापस जाने के लिए। माशाल्लाह जी, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़ जी। मेहमान जो है चले गए? हाँ जी चले गए हैं, अब जो है मेहमान चले गए हैं, मुझे उदास कर गए। आपको उदास कर गए? हाँ जी, मुझे ना उदासी हो रही है। देखा नहीं सुबह से जो है हमारे घर में बहुत ही रौनक लगी हुई थी, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, मेरे भाई वाले भी आए हुए थे लेकिन वो वीडियो में नहीं आते, इसलिए हमने उन्हें वीडियो में नहीं दिखाया सब बहन भाइयों को। तो जो है वो दूसरे जो आए थे वो तो सब बहन भाइयों ने देखा है। चलें आप चाय पिए जी। बिल्कुल चलो, मैं हमारी चाय आ गई, हमने खाना खा लिया था और मेहमानों को भी जो रवाना कर दिया है वो नहीं रुके यहाँ पर, हमने कहा तो है लेकिन वो नहीं रुके, इसलिए हमने उनको रवाना कर दिया है अलविदा कह कर। और अभी जो है हम चाय पी रहे हैं, खाना खा लिया है और अमन ने भी खाना खा लिया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पी रही है, खा लिया है। और उसमें भाभी आपने खा लिया खाना? आपने कब खाया? मेहमानों के साथ? नहीं मेहमानों के साथ नहीं, मतलब जब मेहमान बाहर आए तो अंदर चली गई? नहीं वो भी खा रहा था, मैं भी उसके साथ खा रहा था। देखे जी इसने भी खा लिया था मेहमानों के साथ। जी जी तो जी ने खाना खा लिया, सारा पिया खा लिया है कि मान एक बंदा मेहमानों के साथ बैठे। ठीक आके महमूद आपने खाना खा लिया बेटा? हां जी अभी जो है आके महमूद को बुखार है, अभी इसकी दवाई भी लेनी है जी। ली तो है, अभी जो है इधर से इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। अच्छी बात है, चलते हैं, बुखार जो है ऐसे नहीं उतरने वाला, चलते हैं। और मैं चाय पी रहा हूँ, अभी चाय भी ठंडी हो रही है। साके महमूद आपने खाना खा लिया बेटा? हाँ। चाय भी पी ली? हाँ। ठीक है, हाथ मुँह धो लो और कपड़े भी चेंज कर लो बेटा। तो जिस भी बहन भाई ने चाय पीनी हो आगे पी सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय भी पी ली है और हाँ जी चाय भी पी ली है, खाना भी खा लिया और मेहमानों को जो है रवाना भी करवा दिया, कर दिया मतलब वो जो है अब चले गए हैं। तो सब बहन भाइयों ने कमेंट में बताना है कि आज जो हमारी रेसिपी बनी थी चिकन कोरमा कैसा लगा।
क्योंकि खाया तो हमने है, देखने में कैसा लगा। तो इसी के साथ मेहमानों को तो बहुत जो है ना पसंद आया है। हाँ जी, मेहमान तो बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन हाँ बहन भाइयों को भी तो पसंद आना चाहिए ना। जरूर आएगा इंशाल्लाह, मेहमानों को पसंद आ गया तो उनको भी जरूर पसंद आया होगा। हाँ जी, क्योंकि सब बहन भाई, जैसा कि आप सब बहन भाई जानते हैं कि अबू जी की जो है तबीयत खराब है, वो मेहमान भी उन्हें पूछने के लिए आए हुए थे। हाँ जी, उन्हें दुआ करने के लिए आए थे अबू जी को। तो आप सब बहन भाइयों ने जो है खास और खास दुआ करनी है अबू जी के लिए कि जल्द से जल्द अबू जी जो है सेहत याब हो जाए। तो इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। रहिएगा हमारे साथ, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, सब बन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।